आ जाएगी। हाँ यस। से 4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई है, मॉर्निंग के टाइम 10 बज रहे थे, कि मैडम आपके जो पति हैं उन्होंने मुझे आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोला है, और क्या मैं डाल दूं? तो मैंने पूछा कौन है, मतलब मेरे हस्बैंड कौन है, मेरे अनिल है, जियो नंबर है उनका। मेरे को लगा कि मैं भी हो सकता है कि सही कह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं डाल दूँ आपके अकाउंट में, मैंने कहा हाँ डाल दीजिए। मैंने कहा कितने बोले उन्होंने, कह रही कि उन्होंने 13,000 बोली थी, मैं 10 डाल रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने इनसे पूछा, वो वहीं बैठे थे नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने उनसे, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने ऐसे किसी को बोला नहीं है। मैंने कहा मैंने उसको बोल दिया, कह रहे फ्रॉड है, फिर भी मैंने बोला देखने के लिए। आप बिलीव करेंगे मेरे पास जो मैसेज आया वो रिक्वेस्ट का मैसेज था, ओटीपी देने का नहीं, गूगल पे पे उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी और मैं सिर्फ उसको कंटिन्यू कर देती तो मेरे अकाउंट से वो पैसे कट जाते। लेकिन मैंने अभी दिमाग का यूज करके उसको ब्लॉक किया, और अभी भी वो मैसेज मेरे फोन में, मैं आपको दिखा सकती हूँ। यदि आपने जो ये हुआ और अब इसी को आप रिवर्स में देखिए कि उसकी आइडेंटिटी और हर चीज़ हमारे पास है, एक इंक्लूडिंग उसका अकाउंट, और आपके इसमें जो है ना एक हमने छोटा सा प्रावधान कर दिया एक बटन का, जिसको दबाओगे तो वो इंटेलिजेंट बटन रिकॉर्डिंग करने चालू कर देगा, इसकी आपकी और उसकी भी, राइट? तो आपके पुख्ता एविडेंस आ गए, और फिर आपसे बिना पूछे वो जहां उसको रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट कर देगा, तो आपको बिना थाने जाए FIR हो गई, बिना उसके जो है चालान होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए। मैं भी IT फील्ड को बिलोंग करती हूँ सर, और मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका जितना फायदा होता है ना सर, उससे ज्यादा नुकसान होता है। क्यों?